एकता मंच की ओर से गढ़ स्थित सिटी डिस्पेंसरी के आगे 17वें दिन धरना जारी रहा। सिटी डिस्पेंसरी में प्रसूताओं को डिलीवरी पुण्य बहाल करने की मांग को लेकर चलाए जा रहे धरने को अब जायज मांग होने के नाते अपार समर्थन मिलने लगा है। एकता मंच के अध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि सिटी डिस्पेंसरी में पिछले 6 महीने में प्रसूताओं की डिलीवरी नहीं होने की वजह से महिलाओं में उनके साथ परिजनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। 17 दिन से आमजन और जनप्रतिनिधि लगातार मांग करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। चूरू के गढ़ चौराहे पर सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच के द्वारा पिछले 17 दिनों से धरना दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है गढ़ अस्पताल में पहले की भांति प्रसव व्यवस्था शुरू की जाए, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 डॉक्टर सुशीला दोषी की सेवानिवृत्त होने के बाद में यह अस्पताल पूर्णतः बंद है। अब इस अस्पताल में नामात्र ओपीडी चलती है, जबकि कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। चूरू की आधी जनता परेशान है, उनके हितों के लिए हम यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक यह अस्पताल चालू नहीं होता।